गुजरात में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। गुजरात की 93 सीट के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी का प्रचार अभियान खत्म हो गया। पीएम ने गुजरात में 31 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो भी किए। गुजरात में 89 सीट के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। उधर पाकिस्तान और तालिबान में बढ़ रहे तनाव के बीच अफगानिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की पहल की है। खबर है कि अफगानिस्तान में ठप पड़े भारत के 20 प्रोजेक्ट फिर शुरू किए जा सकते हैं, जिसके लिए अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को सीधी पेशकश की है। अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के हाथ में आते ही भारत के वहां चल रहे प्रोजेक्ट ठप पड़ गए थे। कई प्रोजेक्ट तो केवल इसलिए रुके थे क्योंकि अफगानिस्तान का भविष्य ही धुंधला दिखने लगा था। भारत के केवल प्रोजेक्ट ही बंद नहीं हुए थे बल्कि काबुल में भारत का दूतावास भी बंद हो गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद भारत के दूतावास को शुरू कर दिया गया। अब अफगानिस्तान की सरकार ने ही भारत को रुके हुए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऑफर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत पहल करता है तो अफगानिस्तान की सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से भारत को दिया गया ये ऑफर पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच पिछले कुछ महीनों से तलवारें खिंची हैं, जबकि कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान ही तालिबान का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता था।